हेलो व्यूवर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज एक नया सब्जेक्ट लेकर मैं हाजिर हूँ। आज का हमारा लेसन होगा 5 क्लास के लिए, पंचम श्रेणी। बुक का नाम है पाठ बहार, हिंदी की पुस्तक है ये। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं शायद, जिनका नाम है अंजलि शर्मा। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि हिंदी का भी पैसेज और क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए जाएँ वीडियो के थ्रू। तो ये उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज ये वीडियो आप लोग के सामने है। अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने रिक्वेस्ट ये की थी उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ आप लोग के लिए लेकर आ सकूँ। इस लेसन को सॉल्व करने में बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी इसे मैंने किया है आप लोगों के लिए। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन है हिंदी का प्रथम पाठ, जिसका नाम है वह देश कौन सा है। ये एक कविता है जो कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। जिनके पास पुस्तक होगी वो उन्होंने पढ़ी होगी। आज हम इसके एक्टिविटीज़ पर जाएंगे, प्रश्न उत्तर। दो पार्ट में इसकी वीडियोस आएगी। ये पहला भाग है, और दूसरे भाग की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, या आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करें। संक्षेप में उत्तर दो, इस कविता के कवि कौन है। उत्तर तो हम सभी जानते हैं, इस कविता के कवि हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी। इन प्रश्नों का उत्तर देना यहाँ संभव नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने इसे कॉपी में लिखा है। प्रश्न सेम है, आइए देखें। इस कविता के कवि कौन हैं। इस कविता के कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। दूसरा प्रश्न, इस कविता में किस देश का उल्लेख है। इस कविता में भारत देश का उल्लेख है। तीसरा प्रश्न है, इस कविता में भारत की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। उत्तर है, इस कविता में भारत की मोहिनी प्रकृति, अनंत धन, निस्वार्थ प्रेम, निष्पक्ष न्याय आदि ऐसी कई विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। चौथा प्रश्न, भारत के चरणों को कौन धोता है, इसका मुकुट किसे बताया गया है। भारत के चरणों को हिंद महासागर धो रहा है, भारत का मुकुट हिमालय को बताया गया है। पांचवा प्रश्न है, भारत के सेवक सपूतों की संख्या कितनी है। भारत के सेवक सपूतों की संख्या करोड़ों में या अनगिनत है। अब है दो नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपनी भाषा में लिखो। पहला प्रश्न था, भारत एक आनंदमय देश किस प्रकार है। उत्तर है, भारत के खेत खलिहान, मैदान, पर्वत, वन आदि हरियाली से भरे पड़े हैं, इसी कारण भारत एक आनंदमय देश है। दूसरा प्रश्न था, नदियां सुधा की धारा बहा रही हैं, इसका आशय स्पष्ट करो। तो इसे इस प्रकार लिखा गया है, उपयुक्त पंक्ति का आशय है कि भारत की नदियों का जल अमृत अर्थात शुद्ध है। यह नदियां हमें भारतवासियों को, देखिए ब्रैकेट में है, निरंतर शुद्ध जल देती हैं, जिनका उपयोग हम विभिन्न कार्य जैसे सिंचाई, पीने के लिए तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए करते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत की धरती में कौन से अनंत धन गड़े हैं। उत्तर है, भारत की धरती में खनिज पदार्थ तथा भूमिगत जल जैसे अनंत धन गड़े पड़े हैं। चौथा प्रश्न, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में क्या कहा गया है। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य अनूठा है। उत्तर में हिमालय का मुकुट है, तो दक्षिण में हिंद महासागर, शुद्ध जल से भरी नदियाँ, चारों ओर रसीले फलों वाले वृक्ष, सुगंधित फूल तथा हरियाली से भरे पर्वत, मैदान एवं वन लहलहा रहे हैं। पांचवा हमारा प्रश्न है,
भारत ने पृथ्वीवासियों को किस प्रकार जगाया? भारत ने पृथ्वीवासियों को शिक्षित कर या ज्ञान का पाठ पढ़ाकर जगाया? छठा प्रश्न है, इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखें। ये सार अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सारी कविता का उत्तर ही आपको मिल जाएंगे। आइए पढ़ते हैं। वह देश कौन सा है? मैं कवि के अनुसार भारत देश मनमोहिनी प्रकृति की गोद में स्वर्ग के समान सुखों को फैलाए हुए है। समुद्र उसके चरण धोता है तथा हिमालय इसका मुकुट है। नदियाँ अमृत की धारा बहाती हैं, उनकी वनस्पतियाँ रस भरे फलों से लदी हैं। चारों ओर हरियाली है, उसकी धरती अनंत धन से भरी पड़ी है। भारत संसार का शिरोमणि है, उसने संसार के लोगों को जगाकर शिक्षित किया है, सुधारा है। राम जैसे आदर्श पुरुष यहीं हुए हैं, इस देश में ही राम लक्ष्मण जैसे भाई भी थे। करोड़ों सेवकों की जन्मभूमि यही है, अर्थात विश्व में सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ देश भारत ही है। ये थे हमारे प्रश्न एक और दो का उत्तर। देखिए प्रश्न दो का छः तक तो हमने किया, इसके आगे दो का सात जो है, तुम्हें भारत की क्या चीज़ें लुभाती हैं? इसका उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं, जैसे भारत की प्राकृतिक सुंदरता, इसके अनंत गड़े हुए धन, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। और दूसरे का आठ जो है, इसी भाव से मिलती जुलती अन्य कविता लिखो। आप भारत के सौंदर्य पर लिखी गई कोई भी कविता अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली एक्टिविटीज़ के लिए आगे के वीडियो में मिलेंगे। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपके और भी सुझाव या सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कोई मेरे साथ है। इसी के साथ अलविदा।